हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस किड्स एजुकेशन। हम लोग हिंदी पढ़ने की श्रृंखला में बड़ा उ तक पहुंच चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे बड़ा उ का उच्चारण और उस पर बने शब्द। तो चलिए गुंजन के इस बड़ा उ सीखने के क्रम में आइए हम इस अभ्यास को देखते हैं। बड़ा उ से ऊन, बड़ा उ से उद बिलाव। तो अब इसमें यहाँ अभ्यास दिया हुआ है, अब पढ़ो। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। बड़ा उ न ऊन, उ द उद, उषा, उ ख उख, उ बना उबना, उ सरा उसर, उ धामा उधम, उ परा ऊपर। तो ये अभ्यास बड़ा उ का, इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास आप करें। एक बार में नहीं समझ में तो फिर से वीडियो रिप्ले करके देखें। और चलिए अब आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ इस पाठ में। आगे है कि शब्द पढ़ो, जो वर्ण प्रत्येक शब्द में आया है उसे लिखना है। आइए इसे समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आम लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ है, आस लिखा हुआ है, आट लिखा हुआ है, आदर लिखा हुआ है। इसमें आ जो शब्द है, ये आ जो है अक्षर, ये सब में आया है, तो यहाँ बीच में हम आ लिख देंगे, इसमें लिखा हुआ है। चलिए इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए, ताऊ उबना गाऊ ऊनी उसर। तो इसमें देखिए, बड़ाऊ इसमें बड़ाऊ इसमें बड़ाऊ यहाँ पे, इसमें बड़ाऊ इसमें बड़ाऊ। इसका मतलब कि बड़ाऊ इन सभी शब्दों में लिखा हुआ है। तो ये शब्द कॉमन है, मतलब सब में है। तो इस शब्द को हम यहाँ बीच में लिख देंगे। इसी तरह अगले सवाल में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इख नाई ताई मिठाई भाई। तो यहाँ देखिए, बड़ाई है, यहाँ भी बड़ाई है, यहाँ भी बड़ाई है, यहाँ भी बड़ाई है, यहाँ भी बड़ाई है। तो ये बड़ाई इन सभी शब्दों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम इसमें बड़ा ई लिख देंगे। तो चलिए चैप्टर के अगले भाग में देखते हैं क्या है। चलिए बड़ाऊ में कुछ और शब्द भी हैं, आइए इसका अभ्यास करते हैं। जैसे देखिए, सूरज सूरज, चूहा चूहा, जूता जूता, फूल फूल। अब पढ़ो, अब ये शब्द आइए देखते हैं। धूप धूप, अभी आप अपना किताब निकाल लें, किताब नहीं है तो इसे गौर से देखें, ध्यान से देखें। धूप धूप, दूध दूध, फूल फूल, भूख भूख, टूट टूट, आलू आलू, भालू भालू, चूड़ी चूड़ी, मूली मूली, कूड़ा कूड़ा, पूरब पूरब, तराजू तराजू, सूरज सूरज, चूरन चूरन, कपूर कपूर। इन शब्दों को आप चाहे तो फिर से अभ्यास कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। चित्र को सही नाम से जोड़ो। इसमें देखिए, इसमें सुई है, तो यहाँ पर सुई बना हुआ, तो सुई को इसमें जोड़ा गया है। ये तरबूज, तो तरबूज को हम क्या करेंगे, यहाँ ला कर इसको जोड़ देंगे। कबूतर है, तो कबूतर को यहाँ ला करके हम जोड़ देंगे। झूला है, तो झूला को हम यहाँ ला के जोड़ देंगे। कूलर है, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से मिला दिया। अब हम लोग अभ्यास के अगले भाग में पहुँचते हैं। इसमें एक कविता टाइप का दिया हुआ, तरबूज का रस। आइए इसको सस्वर पाठ करते हैं और समझते हैं, और इस पर दिए हुए अभ्यास का सवाल जवाब भी देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं।
मालिका का आए, खरबूजा और तरबूज लाए, पूजा खरबूजा काट कर खिला, खरबूजा बहुत मीठा था, जूही अब तरबूज ला, छिलका छिलकर तरबूज काट, वाह कितना लाल तरबूज, बीज निकाल कर खाओ, तरबूज का रस निकाल, लाल लाल तरबूज का लाल रस, नूतन इधर आओ, तरबूज का लाल रस पियो, वाह कितना मीठा रस। अब हम लोग इस अभ्यास पर दिए गए कुछ प्रश्न हैं, उसका देखेंगे, हल देखेंगे, अभ्यास लिखो। माली काका क्या क्या लाए? तो माली काका देखिए, खरबूजा और तरबूज लाए, खरबूजा और तरबूज लाए, आ ऊपर हमने पढ़ा था खरबूजा और तरबूज लाए। खरबूजा कैसा था? तो ऊपर हमने पढ़ा था कि खरबूजा तो बहुत मीठा था। तरबूज किस रंग का था? तो तरबूज लाल रंग का था। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। माली काका क्या क्या लाए? तो माली काका खरबूज लाए, खरबूज और तरबूजा लाए। तो यहाँ हम लिख देंगे। खरबूजा कैसा था? तो खरबूजा बहुत मीठा था। तरबूज किस रंग का था? तो लाल रंग का था। आइए अगला चैप्टर में हम देखते हैं क्या है, किसने क्या किया। तो तरबूज का रस हमने पाठ पढ़ा था, उसके आधार पर प्रश्न देना है। पहला है पूजा, तो पूजा ने क्या किया था? तो पूजा ने खरबूजा काटा था, तो हम लोग इसको मिला देंगे, खरबूजा काटा। जो ये जूही ने क्या काटा था? तो तरबूज काटा था, इसको हम इधर मिला देंगे। नूतन नूतन ने क्या किया था? तो नूतन ने रस पिया था, तो इसको हम इसमें मिला देंगे। और माली ने क्या किया था? माली ने खरबूजा और तरबूज लाए थे, तो इसमें हमने इनको यहाँ मिला दिया। ठीक है, इसी तरह अब हम अगला अगला देखेंगे। आइए देखते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखना है। जैसे ये सुराही का चित्र है, सुराही लिखा हुआ है, इधर दिया हुआ भी है यह शब्द और इधर फोटो भी दिया हुआ चित्र। ये देखिए चूहिया का फोटो है, तो इसमें हम लिख देंगे चूहिया चूहिया। ये देखिए सूप का फोटो है, तो इसमें हम सूप लिख देंगे। ये देखिए गुड़िया का फोटो है, तो इसमें हम गुड़िया लिख देंगे। ये देखिए जूता का फोटो है, इसमें हम जूता लिख देंगे। ये देखिए एक किस चीज़ का फोटो है? तराजू का फोटो है, तो इसमें हम तराजू लिख देंगे। ठीक, और आगे नीचे देखते हैं, चित्र के नाम पर सर्किल लगाना है। ये देखिए भालू का फोटो है, तो भालू पर सर्किल लगाया हुआ है। इधर है देखिए फोटो गुलाब का है, आइए बगुला गुलाब गुलाल, तो गुलाब पर हम सर्किल लगा देते हैं। ये देखिए चूड़ी का फोटो है, तो ये चूड़ी पर सर्किल कर देते हैं। ये पूड़ी, पूड़ी तो है नहीं, चूड़ी है नहीं, तो ये चूड़ी सही लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम चूड़ी पर सर्किल लगा देते हैं। अब आइए देखते हैं अगला भाग क्या लिखा हुआ है। देखिए ये है रू, आइए है रू, तो इसमें क्या है? इसमें एक नियम लिखा हुआ है, आइए इसको देखते हैं। र में छोटा उ या बड़ा उ की मात्रा नीचे न लगाकर बीच में लगाई जाती है। र ऐसा शब्द है जिसमें कारक उ छोटा उ के और बड़ा उ की मात्रा नीचे नहीं लगाते हैं बल्कि बीच में। जैसे इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, जैसे देखिए रू है, इसमें छोटा उ रुक उ छोटा उ की मात्रा बीच में दिया हुआ है। रुख रुई रुचि गुरुजी रुपया, इस तरह से। और इसी तरह से देखिए बड़ा उ में, इसमें र में रूप रूठा रूठना रूलर और ये हो गया रूमाल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि र में उ की मात्रा है जो बीच में लगाया हुआ बल्कि नीचे नहीं लगाया हुआ है। तो इसी तरह से देखिए इसमें है, आप बोल बोल कर लिखना है रू रू रू, इस तरह से आप बोल बोल कर यहाँ लिख दें।
इस यहाँ भी बोल बोल कर आप लिख दें। नीचे है देखो और लिखो, का इसमें हर्षिकार का की है, इसमें दीर्घकार का की है, हर्षुकार के कु है, हर्षुकार के कु है, इसको आप देखें और लिख लें। अब इसमें क्या है कि एक एक शब्द लिखना है, तो जैसे चू है तो इसमें क्या करेंगे, चुनरी लिख देंगे, एक शब्द ये हो गया। और आप और शब्द भी लिख कर अभ्यास कर सकते हैं। इसमें देखिए ये चूहा है, चू से चूहा कर देंगे। इसमें पू है तो आइए पू से हम पुल बना देंगे, और ये पू से आइए कुछ बना देते हैं, पू से पूनम लिख सकते हैं, या पू से और भी शब्द बना सकते हैं। अब ये चैप्टर है, इसमें है देखिए तोता का फोटो है, कबूतर का है, इसी तरह इन चिड़ियों का फोटो दिया हुआ है, इनको आपको कलर करना है। इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।